दोस्तों आज के टाइम में यूट्यूबर्स किसी एक्टर से कम नहीं है। दिन प्रतिदिन यूट्यूबर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है। ऐसे में अपने इंडिया में कई यूट्यूबर हैं जिनका फैन फॉलोइंग आज लाखों में है, और ऐसे भी यूट्यूबर्स थे जिनके फैन लाखों में तो थे लेकिन अब वो इस दुनिया में नहीं है। किसी की मौत कार एक्सीडेंट में हो गई, तो कोई खुदकुशी कर चुका है। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको ऐसे यूट्यूबर्स के बारे में बताएंगे जो काफी जल्दी इस दुनिया को छोड़कर चले गए। इसलिए अब इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। नंबर 5, स्काई लॉर्ड। दोस्तों अगर आप यूट्यूब पर गेम वाला वीडियो देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को अच्छी तरह से जानते होंगे। बता दें कि ये एक ऐसा चैनल है जो ये इस इंडिया में फ्री फायर खेलने के लिए काफी पॉपुलर हुआ है। इस चैनल के ओनर का रियल नेम अभियोदय मिश्रा था, जो कि मध्य प्रदेश के रिवाज के रहने वाले थे। अब यूट्यूब पर अपने रियल नेम से कम और स्काई लॉर्ड के नाम से ज्यादा जाने जाते थे। यह फ्री फायर कम्युनिटी वे बहुत ही ज्यादा पॉपुलर थे और लोग इनके बहुत ही कट्टर वाले फैन थे। तो दोस्तों इस वीडियो में यह गलत चीजों को एक्सपोर्ट करते रहते थे, क्योंकि दोस्तों अक्सर यह गलत चीजों को एक्सपोर्ट करते रहते थे और इनका रियल कांड लोगों को बहुत पसंद आता था और लोग ही इनको बहुत ज्यादा प्यार करते थे। नंबर 4, अगस्त्य चौहान। दोस्तों अगस्त्य यानी कि यूट्यूब पर प्रो राइडर 1000 के नाम से काफी मशहूर थे और यह उत्तराखंड देहरादून के रहने वाले थे। यह एक मोटू ब्लॉगर थे लेकिन यह काफी ज्यादा पॉपुलर थे, लेकिन इसी मोटू ब्लॉग ने इनकी जान ले ली। दरअसल इनकी हाल ही में एक्सीडेंट हो गया जिसमें इनकी जान चली गई। हालांकि दोस्तों इनकी कहानी इतनी ज्यादा सिंपल नहीं है, क्योंकि लोगों का कहना है कि इसमें कई सारे फैक्ट्स छुपाए जा रहे हैं। शुरुआत में तो कहा गया कि ओवर स्पीड की वजह से इनकी जान चली गई, लेकिन इसका ज्यादा प्रूफ नहीं दिया गया और कई लोग कह रहे हैं कि एक हिट हैरन केस हो सकता है। हालांकि ये सारे कॉन्ट्रोवर्स का कोई दूसरा प्रूफ नहीं निकलता, पर एक बात तो सच है कि इनकी डेथ हो गई है और अब ये हमारे बीच नहीं रहे। ये मोटू ब्लॉगिंग की दुनिया में काफी पॉपुलर थे और लोग इनको काफी ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन बाइक को राइड करते वक्त इनकी डेथ हो गई। इनके कैमरा रिकॉर्डिंग के अनुसार इनकी बाइक 150 किलोमीटर की स्पीड पे जा रही थी, बट कई लोग का कहना है कि ये 294 किलोमीटर बराबर की स्पीड में थी। तो दोस्तों भले ही आप कितने स्पीड में क्यों न चलाए, लेकिन सेफ्टी के साथ रहना चाहिए। नंबर 3, ज्ञान मिर्च। दोस्तों ज्ञान मिर्च का रियल नेम मिराज अंसारी था। ये भी फ्री फायर कम्युनिटी काफी पॉपुलर क्रिएट थे। इनके चैनल पर 3 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर थे, लेकिन फिर भी काफी ज्यादा हादसा हो गया। यह एक लड़की से प्यार किया करते थे जिनसे उनका रिलेशन 2.5 साल से काफी ज्यादा था, लेकिन उस लड़की की सगाई हो गई और उन्होंने ज्ञान मोज हमारे भाई को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया। प्यार में धोखा मिलने के बाद ही बहुत ज्यादा डिप्रेशन में चले गए थे। उन्होंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी कह दिया था कि ये बहुत जल्दी मरने वाले हैं, और इन्होंने अपने इंस्टाग्राम में स्टोरी भी डाल दिया था कि यह 9 जुलाई को मरने वाले हैं, और बिल्कुल ही ऐसा ही हुआ। 9 जुलाई के थोड़े वक्त बाद पता चला कि इनका कार एक्सीडेंट हो और इनकी जान चली, बल्कि सबको पता था कि ये एक एक्सीडेंट नहीं बल्कि सुसाइड था। नंबर 2, टेक्नो ब्लेड। दोस्तों ये इंडियन क्रिएटर तो नहीं थे, फिर भी इनकी इंडिया में काफी फैन फॉलोइंग थी। ये इंडियन गेमर थे, लेकिन खासकर माइनक्राफ्ट गेमर के लिए ज्यादा पॉपुलर थे। इनका रियल नेम एजेंडर है और इनके चैनल पर लगभग 16 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर है। बता दें कि इनकी डेड बॉडी बहुत ज्यादा दुखी थी, दरअसल इनको कैंसर हो गया था। हाँ आपने बिल्कुल सही सुना, इनकी डेथ के करीब 3 से 4 महीने पहले इन्होंने बता दिया था कि इनको कैंसर हो गया है, तो इसलिए ये कम वीडियो डाल पाएंगे क्योंकि इनकी ट्रीटमेंट चलेगी। हालांकि इन्होंने अपना फेस रिलीज नहीं, लेकिन फिर भी लोग इनसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड थे। लेकिन इन्होंने बीच में यह खबर दी थी कि इनका कैंसर धीरे धीरे ठीक हो रहा, पर अचानक पता नहीं क्या हो गया, एक दिन वीडियो आया कि इनके सारे में सारी इंफॉर्मेशन दी गई और इन्होंने ये भी कहा था कि इनकी डेथ हो गई,
यह अपने मरने से पहले रिकॉर्ड किया था। जिंदा नहीं बचते हैं तो ये वीडियो पब्लिक कर दी जाएगी और बिल्कुल ऐसा ही हुआ दोस्तों। इनका बहुत ही ज्यादा फेमस डायलॉग था टेक्नो ब्लेड। तो आज भी जब भी टेक्नो ब्लेड की बात आती है तो आज भी यह कमेंट में लिखते हैं। नंबर वन दानिश जैन। दोस्तों अगर किसी को रियल में किसी को बस्ती का हस्ती कहा जाता है तो वह दानिश जैनी है, जिन्हें आज तक नहीं भूले हैं कि कैसे छोटे घर का लड़का इतना बड़ा स्टार बन गया। हर कोई इनका नाम जानता था। इनकी शुरुआत इन सोशल मीडिया की तरह की थी और इनके यूट्यूब मिलियन पर फॉलोअर्स थे। दोस्तों इनका ब्लॉग लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आते थे और वो दिन दूर नहीं था कि इतने ज्यादा पॉपुलर हो गए कि इन्हें लोग टेलीविजन शो में बुलाना भी शुरू कर दिए। इन्हें कई सारे शो में काम किया था और काफी लोगों के दिलों पे राज किया था, लेकिन एक रात सब कुछ खत्म हो गया। एक कार एक्सीडेंट ने इनकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया और इससे बहुत ज्यादा सबको झटका लगा। और आज भी इनका यूट्यूब चैनल एक्टिव है, जिससे इनके भाई काफी वीडियोस डालते रहते हैं और लोग आज भी इनको नहीं भूले हैं। वैसे दोस्तों आप इनमें से सबसे ज्यादा किसको मिस करते हैं कमेंट करके जरूर बताइए और साथ ही वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। हम फिर मिलते हैं एक नए और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।